ये जो आज भारत की अवस्था हमारे सैनिकों ने, हमारे सेनानियों ने तैयार की है, इसी के कारण भारत आज प्रगति कर रहा है। और मेरा विश्वास है G20 की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मकाम दिलाया है कि किसी भी देश को भारत की प्रगति की ओर देखकर आश्चर्य भी होता है, वो अचंभित भी होते हैं और इससे प्रेरणा भी पाते हैं। तो मेरा विश्वास है कि इसी प्रकार से हमारी सेनाएं भारत का रक्षण करेगी, एक मजबूत और दुनिया के सिरमौर के रूप में भारत जो प्रगति कर रहा है उसमें आपका योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, वो आगे भी रहेगा। मैं फिर एक बार हमारे त्रिशूल डिवीजन को, उसके सारे अफसर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मौका हमको दिया। महाराष्ट्र को लद्दाख के साथ जोड़ने का ये जो कार्य आपने किया है, इसके लिए तमाम महाराष्ट्र के 12 करोड़ महाराष्ट्रवासियों की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको इससे आगे जाकर आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस कार्य में हमने राशि तो दी है, लेकिन इसमें कुछ आवश्यकताएं बढ़े, कुछ काम और भी ज्यादा हो तो आप बेहिचक हमें बताइए, उसमें भी कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें बहुत हर्ष होगा। और मेरा विश्वास है जल्दी ही जब हम इसको पूरा करेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी भी यहां पर आएंगे और वो दिन भी हमारे लिए गौरव का दिन होगा।